तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित अफसर कैप्टन वरुण सिंह देवरिया जिले के रहने वाले हैं। कैप्टन वरुण सिंह रुद्रपुर तहसील के कन्हौली गांव के रहने वाले हैं। वरुण एक जाबाज अफसर हैं जो शौर्य चक्र से सम्मानित हो चुके हैं और इस समय बेंगलुरु के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। देवरिया जिले में तमाम साधु संत आम नागरिक भगवान से दुआएं मांग रहे हैं कि वो जल्द ही वरुण को स्वस्थ कर दें। वहीं सभी लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी धर्म के लोग और सभी पार्टियों के नेता वरुण के पैतृक गांव उनके चाचा से मिलने पहुंच रहे हैं। बता दें कि उनके चाचा अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने बातचीत में बताया कि वरुण की हालत स्थिर बनी हुई है। वरुण 90% से ऊपर जले हुए हैं। वो भी उन्हें देखने के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं। नहीं, अभी भी वो बेंगलोर मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं। स्थिति गंभीर है लेकिन स्थिर है। कितने परसेंट बंद बताया जा रहा है? काफ़ी जला है, 90-95% सोच रहा है कि बंद हुए हैं। अभी जा रहे हैं? हाँ, हम आज जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी अखिलेश प्रताप सिंह के घर पहुंचे और अपनी संवेदनाएं प्रकट की और कहा कि हम सब वरुण के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इंदौर में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसमें देवरिया जिला के कन्हौली के वरुण सिंह जी बर्न हो गए हैं। आज मैं उनके परिजनों से मिल के दुख व्यक्त करने आया था। आज पूरा देश और प्रदेश उस घटना से आहत है। उसमें एकमात्र वरुण सिंह साहब बचे हुए हैं। सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो यथाशीघ्र स्वस्थ हों। वहीं मुस्लिम महिलाएं भी जावाज वरुण के लिए मंदिर में उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा कर रही हैं। हम लोग वरुण सिंह के लिए दुआ मांग रहे थे कि वो जल्द से जल्द अपने ठीक हो जाए और अपने बाल बच्चे ले जाए। वरुण सिंह के लिए हम लोग दुआ मांग रहे थे कि जल्द से जल्द स्वस्थ होते और देश की सेवा करें। इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए देवरिया से संदीप तिवारी की रिपोर्ट।